बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कुशेश्वर स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया और चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद के उस शासनकाल के बारे में भी जिक्र किया है जब जंगल राज का दौर हुआ करता था। क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले वो सुनिए। विस्तार से इस चुनाव की मीमांसा और कथा और व्यथा कही है, बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2020 में बिहार में पुनः श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। विगत 15 वर्षों में हम सबों ने बिहार के दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। 2005 के पहले के बिहार को जिसने देखा है उनको पता है कि बिहार में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। श्री स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के साथ हम सब लगातार विधायक के रूप में भी विधानसभा में हमने काम किया है और यह दुर्भाग्य है कि उनके साथ साथ हमारे अमन हजारी जी की माता जी का भी निधन हो गया। हमने जो आपसे वादा किया है माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय जिसे कि हम सबों को लागू करना है और सफलतापूर्वक उस ओर हम बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आज सरकार बनाने का वक्त नहीं है, आज वक्त है सरकार को मजबूत करने का। जो यह दो सीटें रिक्त हुई है, इन दोनों सीटों पर एनडीए के हमारे साथी जीत कर जाए ये सुनिश्चित करने का दिन है, आपको आशीर्वाद देने का दिन है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जनता दल यूनाइटेड बिहार के बिहार प्रदेश के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और हमारे ग्रामीण सम्माननीय पूर्व विधायक अरुण यादव जी एवं तमाम जो नाम छूट गए वैसे तमाम अपने साथियों को प्रणाम और नमन करते हुए अपनी बात। आपने सुना तारकिशोर प्रसाद को, उन्होंने लालू और राबड़ी के उस शासनकाल को बिहार की जनता को याद दिलाया है जब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ करता था। आपको बता दें कि इस वक्त एनडीए के तमाम नेताओं ने चुनावी जनसभाओं में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ एनडीए के नेताओं ने ताकत झोंकी है, दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस चुनाव के नतीजे निकल करके क्या सामने आते हैं। जिस तरीके से राजद और दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है तो ये निर्णय किसके हित में आता है। अब बन रहा हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।